जनपद में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए नागरिकों के द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर तुर्कमानपुर से महानगर में भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, जिसको देखते हुए पूरे देश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में गोरखपुर में मंगलवार को सरस्वती शिशु मंदिर तुर्कमानपुर से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग मोटरसाइकिल लेकर शामिल हुए। ये शोभा यात्रा तुर्कमानपुर से निकलकर बेतिहाता चौक, शास्त्री चौक, नगर निगम होते हुए दोबारा सरस्वती शिशु मंदिर तुर्कमानपुर पर समाप्त हुआ। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए नागरिक शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि भगवान राम का मंदिर बनकर अयोध्या में तैयार हो गया है, जिसकी हम लोग 500 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही। हम लोगों को बहुत खुशी है, जिसको लेकर ये सभी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए शैलेंद्र कुमार गुप्ता ने कहा, ये राम जन्मभूमि बन के तैयार है, राम जी का वो मंदिर उनके संदर्भ में निकाला जा रहा है। और ये पदयात्रा हम लोग का मोटरसाइकिल जलूस जो है निकल रहा है, यहाँ से जाए घंटा घर फिर रायगंज वाले रोड पे जा रहा, फिर वहाँ से बेतियाटा चौराहे पे जा रहा, वहाँ जगन्नाथपुर मोहल्ले में होते हुए ढोट कंपनी चौराहे पे निकलेगा, वहाँ से फिर रेती रोड पे जा रहा नसाद जा रहा, फिर नसाद से हाटी मैथान वाले रोड पे आएगा, वहाँ से एडी स्कूल जा रहा, एडी स्कूल से फिर बस्तीपुर चौराहेगा, वहाँ से सीधे झंडा रहा होते हुए हासूपुर बसंतपुर होते हुए यही विद्यालय में समाप्त हो जाएगा। कितनी खुशी है राम मंदिर को लेकर? बहुत खुशी है हम लोग को, इतने दिन बाद हम लोग को मौका मिला है। शैलेंद्र कुमार जी का नाम कारवा प्रेमचंद।